अमेठी पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता द्वारा थाना गौरीगंज का किया गया वार्षिक निरीक्षण। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र डॉक्टर संजीव गुप्ता द्वारा थाना गौरीगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम सलामी गार्ड से महोदय द्वारा सलामी ली गई। सलामी के उपरांत थाने के आवासीय परिसर, बैरक, कार्यालय, शस्त्रागार, मालखाना, मेस तथा कार्यालय के अभिलेखों आदि का निरीक्षण किया गया। बैरक में कर्मचारियों के अच्छी सुविधा के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारी गणों से शस्त्रों की साफ सफाई, खोलने व बांधने तथा क्राइम सीन का रिहर्सल कराया गया। उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी से नई बीट प्रणाली के संबंध में समीक्षा की गई तथा शासन व उच्चाधिकारी गण के आदेशों के पालन हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मेज में बैठकर भोजन किया गया। अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी गणों को तथा मेज में रख रखाव व भोजन की गुणवत्ता अच्छी होने पर अनुचर पवन यादव, अनुचर गुलाम वारिस तथा अनुचर रितेश द्विवेदी को पुरस्कृत किए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज, क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अर्पित कपूर, क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना श्री संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। अरे वो चारों लड़कियों को बेटा तुम लोग इसको खोल लोगी ना, कंटिन्यूशन में आ जाए आज, खोल के आराम से, थोड़ा पीछे हो के आराम से खोलो, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना टाइम ले लो, मैं तुमसे भी कराऊँ, कॉम्पिटिशन नहीं करा रहा बट आप अपने आप के नंबर में चले जाएंगे। अच्छा, चारों तरफ हो जाए और उसके बाद आगे करके और जैसे भीड़ हमारी 100 गज पर है तो सर पैर के नीचे ये बौछार के तरीके से पैरों पर जलानुमा करती है इसके जो बात करते हैं और सर्वप्रथम इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर में करती है। जम्मू कश्मीर में कैसे लोड करेगा ये बता दीजिए, इसमें यहाँ कारतूस लोड करके कौन कैसे करेगा ये मेरे को बता सर। यहाँ सर ये है हमारा मार्किंग, कैसे करोगे चौक से मार्किंग करते हैं ना, ये पता है ये लाइट किसके बना है ये उदाहरण के लिए, टायर की फूल पड़ा है तब कैसे उठाओगे
अगर फोन पड़ा तो फिर इसे जो पुलिस रिपोर्ट कर लेंगे। इसके हाथ के पास कुछ पड़ा है,